नौजवान साथियों, मातृशक्ति मंच पर विराजमान सभी बुद्धिस्ट जीवी चमार सम्मेलन होने जा रहा है, हो रहा है, उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। हमारी संख्या कितनी है? सबसे पहले हरियाणा में आप हमारी संख्या बताओ, चमारों की संख्या कितनी है? हमारी संख्या 52 लाख चमार है। 52 लाख चमार कम नहीं होते साथियों। यदि 52 लाख चमार इकट्ठे हो जाए तो क्या हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है। मान लिया कि सभी इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन यदि 10% भी इकट्ठे हो गए तो भी हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथियों, 10% में हमारी संख्या कितनी बैठेगी? 5,20,000। आप लोगों को पता होगा, आज से 20 साल पहले हमारे 17 एमएलए में से 15 एमएलए होते थे क्या नहीं? आज संख्या कहां चली गई? 4 पर चली गई है। क्यों चली गई है? क्योंकि हमारे अंदर कहते हैं कि क्लास नहीं है, एकता ही। यदि हम ऐसे ही रहे तो वो दिन दूर नहीं जो पहले वाला आ जाएगा, क्योंकि संख्या 4 है। अमेरिकन की भी हम लोगों को नाम का नहीं पता क्या क्या है उनका, तो हम लोगों को एक और की आवश्यकता है। और कई लोग कहते हैं कि चमार एक नहीं हो सकते, लेकिन हम कहते हैं कि चमार एक हो सकते। क्योंकि चमार को शुरू से ही मेहनती व संघर्षशील रही है। यदि आप निस्वार्थ भाव से व ईमानदारी से काम करोगे तो वो दिन दूर नहीं जब आप लोगों का ही राज आएगा। साथियों, मैं बताना चाहती हूं कि हमारा समाज आज संगठनों में बट गया, पार्टियों में बट गया, लेकिन हम लोग एक ही हो रहे। क्यों? क्योंकि समाज कोई बहुजन बन गया, कोई मूल निवासी बन गया और कोई बुद्धिस्ट बन गया, इसलिए समाज एक नहीं हो रहा। सबसे पहले हमारा समाज समाज और भाईचारा है, उसके बाद ये पार्टियां और संगठन है। कभी कोई चौधरी बने हो और उस चौधरी पड़ा में और पता नहीं छोड़ के हम लोग ये कहते हैं कि आप चमार सम्मेलन में आओ, और प्रधानी के मुख्य तो रोहतक के सदा से रहे हैं, इसलिए ये सम्मेलनों में नहीं आते। मैं किसी से डरती नहीं, कहती है ना कि भाई क्यों हम किसी के रोहतक वाले के फलाना की गवाह। हम कहेंगे रोहतक के अंदर चमार सम्मेलन है, और जिसके अंदर चमार का खून होगा वो जरूर इस सम्मेलन के अंदर आएगा। आप इस सम्मेलन को कम मत समझो साथियों। क्यों? क्योंकि ये सम्मेलन एक ही ऐसी चिंगारी पैदा करेगा कि आप लोगों का इराज आएगा, आप लोगों का इराज आएगा। साथियों, हम लोगों ने 4 सम्मेलन कर दिए। भिवाड़ी के अंदर 16 जुलाई को टिपड़े वाले सभागार में चमार सम्मेलन था, और वहीं से चमार सम्मेलन का आगाज हुआ। उसके बाद दूसरा चमार सम्मेलन 13 अगस्त को महेंद्रगढ़ के अंदर था, वहां पर भी सम्मेलन काफी सक्सेस रहा, हॉल खचाखच भरा हुआ था। तीसरा सम्मेलन 20 अगस्त को दादरी के अंदर था, और मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि दादरी के अंदर 2 रिटायर फौजी हैं भाई, एक नारायण फौजी जी और एक रमेश चोपड़ा जी। इन लोगों ने 170 गांव खुद के खर्चे से और खुद की गाड़ी से किए। क्यों? क्योंकि हम लोग किसी से चंदा तो लेते हैं। जब हम लोगों ने दादरी के अंदर सम्मेलन किया तो वहां पर भी कपास कटाई था, कपास के लिए लड़ी जाते थे चुगने के लिए, लेकिन जब हम लोगों ने समझाया कि दादरी के अंदर चमार सम्मेलन है और आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचो, तो लेडीज ने उस दिन की छुट्टी की थी और जेंट्स से ज्यादा लेडीज से भरा हुआ था खचा। एक बार उन लेडीजों के लिए जोरदार तालियां बजाओ। उसके बाद चौथा सम्मेलन 8 अक्टूबर को हासी के अंदर हुआ, और हासी के अंदर भी हमारा रानीला ग्राउंड था, वो खचा खच भरा हुआ था। तो ये आप सब लोगों के सहयोग से है, ये 5वां सम्मेलन रोहतक के अंदर है। ये जितने भी साथी बैठे हैं, ये एक क्रीम है, क्रीम
जुड़ रही है और पांच संतना में टीम बन जाएगी। जा रहा है तो बड़की भिवानी दादी महेंद्रगढ़ और हासी। अब ये पांचवा सम्मेलन रोहतक जिले के अंदर हो रहा है, इसमें ये पांचवे सम्मेलन की टीम बन जाएगी। तो वो दिन साथियों भूल नहीं जब गजेंद्र सिंह मोहन ने आज से 20 साल पहले राष्ट्रीय जमात सम्मेलन किया था और वहां पर संख्या लाख डेढ़ लाख के आसपास थी। और उस समय तो फोन भी नहीं आया करते, देखो, और ना बेचारों के पास कितनी आमदनी थी, क्यों हमारे आर्थिक स्थिति का सब लोगों को पता है। लेकिन वो लोग पैदल जाते गजेंद्र सिंह जी और लोगों को समझाते, और वहां पर जब उन लोगों ने राष्ट्रीय जमात सम्मेलन किया जींद में, तो वहां पर संख्या लाख सवा लाख के आसपास था। वो जो ए और बी का मुद्दा था वो सरकार को बहाल करना पड़ा था उस टाइम में। तो हमारे भी बहुत से मुद्दे हैं साथियों। सबसे पहला हमारा मुद्दा जमात समाज की एकता, और हमारी टीम चार जिलों की टीम कर रही है इस सम्मेलन को। कोई एक व्यक्ति नहीं कर रहा, नहीं कोई एक संगठन कर रहा, चार जिलों की टीम कर रही है। भिवानी दादरी महेंद्रगढ़ हस्ती साहब, चार जिलों की टीम इस रोहतक के सम्मेलन को कर रही है। साथियों वो दिन दूर नहीं जब गजेंद्र दिन आपके किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में जरूर होगा, क्योंकि स्टेट लेवल का कार्यक्रम जरूर होगा। और मैंने कहा आप लोगों को हमारी संख्या 52 लाख है। हम कहते हैं कि 52 लाख इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन यदि 10% भी इकट्ठे हो गए तो 10% में कितने हो गए, 5,20,000। और यदि 5,20,000 रोहतक के अंदर इकट्ठे हो गए तो आप लोग देख लो नजारा क्या होगा। एक बार इसके लिए भी आप जोरदार तालियां बजाओ, क्योंकि अभी डिस्ट्रिक्टों के अंदर कार्यक्रम हो रहे हैं, उसके बाद स्टेट का कार्यक्रम होगा और स्टेट के कार्यक्रम में संख्या देखी जाती है। कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी काम हो, संख्या गिनी जाती है कि वहां पर संख्या कितनी है। इसलिए यहाँ पर जितने भी साथी बैठे हैं ये मत सोचो कि ये कम है, ये सभी बुद्धिजीवी बैठे हैं। साहब काशीराम ने कहा था कि मैं अकेला चला था और कारवा जुड़ता गया, और कारवा जुड़ रहा है, आप सभी लोग देख रहे हैं। सबसे पहले हमारे जो मुद्दे थे जमात समाज की एकता, और हमारी चारों ही टीम कह रही है कि हम जमात समाज में एकता का आगाज एक न एक दिन करके रहेंगे। दूसरा हमारा मुद्दा है जमा रेजिमेंट की बहाली। 1943 में जमा रेजिमेंट की फौज बनी थी जो 1946 तक चली थी। उसके बाद उस फौज को बर्खास्त कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की जो आजादी फौज थी उसमें अंग्रेजों ने कहा कि आप आजादी फौज के साथ युद्ध करो, तो उस साथियों ने कहा कि हम अपने भाई के साथ युद्ध कैसे कर सकते हैं, हम अपने भाई के साथ युद्ध नहीं कर सकते। इसलिए सरकार ने उसको बर्खास्त कर दिया, फौज को खत्म कर दिया उसको। इसलिए दूसरा मुद्दा हमारा जमा रेजिमेंट की बहाली का है। तीसरा हमारा मुद्दा है पुरानी पेंशन की बहाली हो। सभी को पता है कि हमारे पास ना किले हैं, ना हमारे पास आर्थिक सहायता है। एक पुरानी पेंशन मिल जाती थी, उससे खर्चा दम से चल जाता था, लेकिन सरकार ये पेंशन भी दे रही है। इसलिए पुरानी पेंशन की बहाली होना जरूरी है। उसके बाद मनरेगा में जो इनकम है वो बढ़ाई जाए। क्यों? क्योंकि सरकार मनरेगा में जो मजदूर काम करते हैं उनमें 367 रुपए देती है, और काम कितना मजदूरी का करवाती है, तो उनकी संख्या कम से कम 600 रुपए की जाए। उसके बाद है फैमिली आईडी। फैमिली आईडी का भी आप सभी लोगों को पता है कि जिनके साधन संपन्न हैं उनको ये सुविधाएं मिल रही है, लेकिन गरीब तबके के परिवार को वो सुविधाएं नहीं मिल रही है। गरीब आदमी चप्पल जूती घिसा घिसा के सीख लिया, लेकिन उनके कार्ड राशन कार्ड नहीं बन रहे। क्यों? क्योंकि सरकार की चाल है हानि जाएंगे तबके का नहीं। इसलिए फैमिली आईडी को मैं इस मंच के माध्यम से सरकार को चेताना चाहती हूँ कि इस फैमिली आईडी को हरियाणा में बंद किया जाए। उसके बाद है शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा और स्वास्थ्य को सरकार को मुफ्त करना होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य मुफ्त करना होगा। उसके बाद है रोजगार। हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाते थे कि बेटा पढ़ ले, नौकरी
खिताब हो चुका। लेकिन सरकार ने वो शिक्षा ही खत्म कर दी, रोजगार कहां से मिलेगा? आप देख रहे होंगे हमारे साथी बच्चे जो हैं एमटेक बीटेक करोड़े वाले चपरासी इलाके वाले इलाके हैं, क्या हमारे एमटेक बीटेक करोड़े बच्चे चपरासी इलाके के लायक है? अन्य कास्ट के तो नहीं लगेंगे, जट्टा के नहीं लगेंगे, गोरा के नहीं लगेंगे, हम लोगों को नौकरी की जरूरत है, इसलिए बाहर लोग बेचारे चलो कोई ना भाई 20-25 हजार मिल जाए। लेकिन ये जो मुहिम है ये जो लगा रही है सरकार, हम अपने बच्चों को, हमारे बच्चे आईपीएस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, हम अपने बच्चे को आईपीएस और इंजीनियर बनाएंगे, सरकार से कहते हैं कि इस चाल को भी बर्खास्त किया जाए। साथियों जो चार जिलों की टीम लगी हुई है वो टीम बहुत मेहनत कर रही है, चार जिलों में टीम बन चुकी है और अब पांचवें जिले में टीम बनने जा रही है। आप लोग आए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर पहुँचने पर, एक बार आप सभी लोग अपने लिए तालियां बजाएं। साथियों मैं, मेरा नाम एडवोकेट श्रीता सरोवा है, मैं पेशे से एडवोकेट हूँ और आप लोगों को बताना देना चाहती हूँ कि जो गरीब परिवार होगा और समाज से संबंधित कोई भी काम होगा मैं उसका केस फ्री में लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए आप लोगों को जुड़ना पड़ेगा, आप लोगों को जुड़ना पड़ेगा उसके लिए साथियों। और महिलाओं की संख्या कम नहीं है साथियों, महिलाएं घर चलाती है, परिवार को चलाती है, बच्चों को संभालती है, देश चलाती है। आज हमारी महिलाएं डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं। आप लोग घर से बाहर निकलो मेरी बहनों, क्यों? क्योंकि घर से बाहर तो निकलते नहीं हो, समाज में क्या हो रहा है इस लोगों को, इसका आप लोगों को क्या पता, तो घर से बाहर निकलने की हम लोगों को जरूरत है। तो आप लोग यहाँ पर पहुंचे, आप सभी लोगों का यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम जय भारत, हम लोगों ने दो नारे दिए हैं, दो नारों के साथ में अपनी गाड़ी को विराम दूंगी। जय चमार, विजय चमार, जय चमार, विजय चमार, जय चमार, विजय चमार, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।